सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चकपंच पीएलएम श्री विजयनगर दे यूट्यूब विच मैं अमनदीप कौर तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदी हां जी। मैं अमनदीप कौर तुहाडी पंजाबी दी लैक्चर हाजर हाँ जी तुहाडी अज दी बीए फस्ट ईयर दी पंजाबी जी साडी क्लास दे विच। बीए फस्ट ईयर दी अपनी इस चल रही पंजाबी दी क्लास दे विच असी जिहड़ा श्री गुरु नानक देव जी नूं शुरू कीता होइआ जी, श्री गुरु नानक देव जी दे शब्द जेडे कि असी अपनी इस क्लास दे विच कर रहे हैं, उना दे विच जेड़ा सी साडी पिछली क्लास सी उना उस क्लास दे विच असी श्री गुरु नानक देव जी दा जेड़ा शब्द सी ओ कीता सीगा, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, के हे परमात्मा इस संसार नूं तारन वाले परमात्मा इस तेरी जिहड़ी किस तरह की जिहड़ी आरती है वह कुदरत वल्लों उतारी जा रही है। जिहड़ी ये आरती कुदरत वल्लों परमात्मा की उस प्रभुपति परमात्मा की आरती जिहड़ी है उतारी जा रही है। इस आरती दे विच कहिंदे हर एक प्रकृति का जिहड़ा जर्रा जर्रा है वह शामिल हो चुका है, कुदरत पूर्ण तौर पर इस आरती दे विच शामिल है। इस आरती की गल करते सीगे तां कहिंदे इस आरती दे विच जिहड़ा आसमान है उसने थाल दा रूप धारण किया होया है, सूरज चंद दो उस विच जग रहे दीपक दे समान हन, तारियां दा समूह जिहड़ा है वह मोतियां वांग है, ते मल्या चर पर्वत तों आ रही जिहड़ी चंदन दे रुखां विचों लंघ के आ रही हवा है वह धूप दा काम कर रही है, हवा चवर करन दा भी जिहड़ा काम है वह कर रही है, सो सारी दी सारी जिहड़ी बनस्पति है वह फुल्लां दी भेटा जिहड़ी कर रही है। सो परमात्मा तेरी इस आरती दे विच आत्मा दा जिहड़ा संगीत है, आत्मक जिहड़ा जिहड़ा संगीत अजिहा संगीत जिस नूं कि सिर्फ समाधियां द्वारा ही सुनिया जा सकता है, अजिहे आत्मिक संगीत दे जिहड़े वाजे हन उह वज रहे हन। फिर परमात्मा दे निराकार साकार रूप दी गल करदे होए कहिंदे कि परमात्मा साकार रूप विच तेरियां हजारां ही अखां हन पर निराकार रूप विच तेरी कोई अख नहीं है, साकार रूप विच तू हर एक मनुख दे विच है, तेरियां हजारां ही मूर्तां हन पर निराकार रूप विच तेरी कोई मूर्त नहीं है, साकार रूप दे विच तेरियां हजारां ही नासां हन पर निराकार रूप विच तेरी कोई नास नहीं है। सो इस तरह जिहड़ा है लास्ट पैर विच फिर उन्होंने दस्सिया सी कि परमात्मा जो है उस नूं गुरु की सिक्ख्या द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कहिंदे जेकर किसे नूं परमात्मा की जिहड़ी इस जिहड़ी जो जिहड़ी जोत है परमात्मा की, कहिंदे सारिआं मनुखां दे विच ही परमात्मा की जिहड़ी जोत है वह जग रही है, सब में जोत जोत है सोए तिस दे चानण, सब मैं चानण होए, कहिंदे इस जोत दे कारण ही सारिआं दे अंदर आत्मक जिहड़ा चानण है हो जांदा है, गुरसाखी जोत प्रगट होए, इस जोत दी जिहड़ी सोची है वह गुरु दी सिक्ख्या दे द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, गुरसाखी जोत प्रगट होए हर चरण कंवर मकरंद लोभत मन अनदिनो मोहियाए प्यासा, कृपा जल दे नानक सारण कौ जाते तेरे नाई वासा। फिर कहिंदे कि मेरा जिहड़ा मन रूपी भौरा है वह परमात्मा तेरे चरणा का रस पीण लई जिहड़ा तड़फ रहा है प्या, मेरे जिहड़ा मन रूपी भौरे नूं तेरे चरणा का रस पीण जिहड़ी प्यास है वह लगी हुई है, कृपा कर मेरे इस पपीहे वांग तरस दे मन नूं तेरा जिहड़ा है दर्शन प्राप्त हो जाए, तेरा जिहड़ी चरण अमृत जिहड़ा है वह प्राप्त हो जाए, तां जो जिहड़ी मेरी प्यास है वह बुझ सके, ते मैं तेरी जिहड़ी कुदरत द्वारा उतारी जा रही आरती दे विच शामिल होण वाला बन जावां। सो ये जिहड़ा शब्द सी जी कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती असी साडी जिहड़ी पिछली क्लास सी उस दे विच कीता सी, रिपीट तां कीता तां कि जिहड़ा तुसी भुल ना जावो, नाल दी नाल जिहड़ी क्लास चलदी आ उस दे नाल जिहड़ा जुड़े रहो। सो तां इस करके जिहड़ा असी हर क्लास दे विच जिहड़ा तुहानूं पहलां करवाया जांदा पिछली क्लास विच कराया जांदा उहनूं पहलां इस क्लास में जिहड़ा जिहड़ी तुहाडी क्लास लग रही होंदी उस विच दोहराउंदे आ फिर ही असी अगे चलदे आ। सो जिहड़ा पिछली क्लास में असी कीता सी जी कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, जिस विच श्री गुरु नानक देव जी ने
प्राकृति द्वारा कुदरत द्वारा परमात्मा की उतारी जा रही आरती का जिहड़ा वर्णन सी वो साढ़े सामने किया सी। सो जिहड़ा इन्हां दा अगला शब्द है जी जिहड़ा कि असी अज दी क्लास है उस दे विच असी श्री गुरु नानक देव जी दा जिहड़ा अगला शब्द लैके आए हाँ उसका नाम है अंधेरे राह ना कोई। अंधेरे राह ना कोई इस विच श्री गुरु नानक देव जी ने दस्या है कि उस समय गुरु नानक देव जी दे समय समकाली समय दे विच समकाली जिहड़ी हालत सी वह किस तरह की सी। उस समय जिहड़ी हालत सी समाज विच जिहड़ी सी वह कलयुग दा जिहड़ा समां चल रहा सी। कहिंदे समकाली हालत जिहड़ी आ वह कलयुग वाली है। अज दा जिहड़ा समां है वह कलयुग दा समां है। फिर इस कलयुग दे समय दी जिहड़ी गल कीती है तां श्री गुरु नानक देव जी ने दस्सिया है कि इस कलयुग दे विच जिहड़ा चारे ही पासे जिहड़ा पाप जिहड़ा है वह प्रधान हो चुका है। कलयुग दे समय विच जो चारे पासे कहिंदे जो भी धार्मिक आगू हन जां जो राजे हन वह सारे दे सारे ही भ्रष्ट जिहड़ा हो चुके हन। समकाली जिहड़ी हालत है वह कलयुग वाली है। जिस जिहड़ी ये कलयुग वाली हालत जिहड़ी है इस हालत का जिहड़ा सुभाअ है वह छुरियां वर्गा है। कलयुग दे विच हर कोई एक दूजे दे खिलाफ छुरियां जिहड़ा है वह चलाउंदा है। सो जिहड़ा इहदा सुभाअ है वह छुरियां वर्गा है। इस कलयुग दे समय विच जिहड़े राजे हन वह कसाइयां वांग बन चुके हन। उन्होंने कसाइयां का जिहड़ा रूप है धार लिया है ते जिहड़ा धर्म है वह पता नहीं कित्थे जा चुका है। धार्मिक आगू भी भ्रष्ट हो चुके हन। धर्म के नाम ते वड्डी खा रहे हन। धर्म के नाम ते गलत काम किते जा रहे हन। सो सारे पासे पाप ही पाप जिहड़ा है वह प्रधान हो चुका है। सो कहिंदे हर पासे झूठ ही झूठ जिहड़ा फैलिया होया है। हर कोई झूठ का सहारा लैके अपना जिहड़ा काम है उसनों कढ़न लई जिहड़ा कढ़न की कोशिश कर रहा है। सच किसी भी पासे भी विखाई जिहड़ा है वह नहीं दे रहा। सो इस तरह जिहड़ी है इस तरह की जिहड़ी हालत है इस जिहड़ी जिस विच हर पासे पाप ते झूठ प्रधान है वह जिहड़ी उस इस हालत नू अपने जिहड़ा शब्द है अंधेरे राह ना कोई दे विच जिहड़ा श्री गुरु नानक देव जी ने वर्णन जिहड़ा कीता है। सो अज असीं जिहड़ा इहनां दा शब्द कर रहे हां वह हैगा जी अंधेरे राह ना कोई। हुण नाल दी नाल आपां प्रसंग सत व्याख्या करांगे ते नाल दी नाल ये शब्द जिहड़ा ब्लैकबोर्ड ते लिखांगे। सो चलदे हां अपने शब्द दे वल ते जिहड़ा है श्री गुरु नानक देव जी नूं असीं शुरू कीता होया जी श्री गुरु नानक देव जी जिहड़ी इह तुहाडी बुक है जिस दे विच इहनां नूं लिया गया है उसदा जिहड़ा नाम है जी शब्द सवेरा। एक बार फिर तो तुहानूं जिहड़ा याद करा दईए कि बुक है जिहदे विचों इह शब्द लिया है शब्द सवेरा जिस दे जिहड़े संपादक हैगे जी संपादक हन डॉक्टर हरभजन सिंह होरी जिन्हां दी ये किताब जिहड़ी आ उह संपादक कीती हुई है। इहदे विच असीं श्री गुरु नानक देव जी नूं कर रहे हां श्री गुरु नानक देव जी दा जिहड़ा शब्द है असीं अज कर रहे हां उह है अंधेरे अंधेरे राह ना कोई। गुरु नानक देव जी का लिखा हुआ शब्द अंधेरे राह ना कोई। हाँ जी शब्द केड़ा है कहिंदे कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उडरिया कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उडरिया कूड़ अमावस सच
चंद्रमा पूर्ण अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया दिसे नाही कह चढ़िया हों हों पाल हों पाल विकुन्नी होई हों पाल विकुन्नी होई अंधेरे अंधेरे रा ना कोई अंधेरे रा ना कोई विच होमे विच होमे कर विच होमे कर दुख रोई विच होमे कर दुख रोई कहो नानक कहो नानक किन विद किन विद कहो नानक किन विद गत गत होई कहो नानक किन विद गत होई। हाँ जी, सो जेड़ा साड़ा शब्द है जी ये जेड़ा श्री गुरु नानक देव जी का लिखा हुआ शब्द साड़ी बुक हैगी है जी शब्द सोमवेरा जिसे संपादक डॉक्टर हरभजन सिंह हो रही है। इस बुक के विचों शब्द लिया गया है। इस शब्द विच श्री गुरु नानक देव जी ने समकाली जिहड़ी कलयुग की हालत का जिहड़ा बयान है वह साढ़े सामने किया है कि कलयुग के विच जिहड़ा किस तरह का वर्तारा है वह हो रहा है। की कह रहे हैं, कहिंदे कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहा कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया हों पाल विकुन्नी होई अंधेरे रा ना कोई विच होमे कर दुख रोई कह नानक किन विद गत होई। सो श्री गुरु नानक देव जी समकाली जुलम ते अन्याय वाली जिहड़ी व्यवस्था है उसका जिहड़ा वर्णन है वह कर रहे हैं ते कह रहे हैं कि जिहड़ा समकाली जिहड़ा समा है समकाली जिहड़ी हालत है वह कल कल मैंने कलयुग वाली है समकाली जिहड़ी हालत है वह कलयुग वाली है ते इस कलयुग वाली हालत का जिहड़ा सुभा है वह छुरियां चलाउण वाला है। कल्ले कल्ले जिहड़ा शब्द है वह एक एक शब्द पूरी पूरी लाइन जिहड़ी है उहदी व्याख्या करूंगा जी। कहिंदे जिहड़ा इह समां है समकालीन समां है वह कलयुग का समां है जिस विच कलयुग का जिहड़ा सुभा है वह छुरियां चलाउण वाला है इसका जिहड़ा कलयुग का जिहड़ा सुभा है वह छुरी वर्गा है। फिर कहिंदे इस कलयुग दे छुरी वर्गे सुभा दे विच जिहड़े राजे हन उन्होंने कसाईयां का रूप धारण कर लिया है जिहड़े राजे हन वह कसाईयां वांग जालम हो चुके हैं लोगों नूं बहुत जड़ा ज़्यादा जड़ा दुख है दुख वह पहुँचा रहे हैं जिहड़े राजे हैं वह कसाई बन चुके हैं तो लोगों नूं बहुत ही ज़्यादा जड़ा दुख है वह पहुँचा रहे हैं। इस कलयुग की छुरी वर्गे सुभाव वाले कलयुग के हालत के कहिंदे राजे हैं वह जालम हो चुके हैं कसाई बन चुके हैं ते इस हालत नूं देख के जिहड़ा धर्म है धर्म पंख लगा के खंभ लगा के किते उड़ गया प्रतीत हो रहा है ते जिहड़ा धर्म है कहिंदे उह खंभ ला के उड़ गया है चारे ही पासे। कहिंदे जिहड़ा कलयुग दा समां है इह कलयुग दा जिहड़ा समकाली जो समां है ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਛੁਰੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸਾਈ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਕੂੜ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰ ਸੁਪੇਰੇ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਅਮਾਵਸ, ਅਮਾਵਸ ਮੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਸਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ? ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ, ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਕਰ ਦੁੱਖ ਰੋਈ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਬਿਦ ਗਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਵਿਦ ਗਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਵਿੱਚ ਗਤ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ
मिल रहा। सो मतलब उस समय जड़ा ये समा है, समकाली समा चल रहा है, कलयुग का जड़ा समा है, कलयुग के समय दे विच हर एक पासे झूठ फैलिया होया है, सच जड़ा है उसनु वट्टे पैंदे हन, झूठे लोकां नु सतकारिया जांदा है, राजे जड़े हन प्रजा दी रक्षा करन वाले ही जालम कसाई बन चुके हन, ओह उन्हां नु दुख दे रहे हन, तड़फा रहे हन। कहिंदे हर पासे झूठ ही झूठ व्यापक है, ते इस हनेरे विच मैनू कोई राह नहीं लभ रहा कि मैं किथे जावां, की करां, किस तरह इन्हां तों छुटकारा पावां। सो इह जिहड़ा शब्द सी जी अज साडा जिहदे विच श्री गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा सानूं समकाली हालत दा जिहड़ा ज्ञान है ओह करवाया, जिहड़ा शब्द है मैं तुहानूं पहले दस्सिया कि साड़ी जी बुक है शब्द सवेरा जिसके संपादक डॉक्टर हरभजन सिंह होरी हैं ये ले गई है, तो जरा शब्द से जी साढ़े को अज अंधेरे राह ना कोई कह जरा इस जरा श्री गुरु नानक देव जी ने फिर यही कार कह कोशिश की कि जरा समकाली हालत है वह कलयुग वाली हालत है, इस कलयुग हाली वाली जी हालत है उसका जरा सुभाव है वह छुरियां वर्गा है, तिखी छुरी वर्गा जरा सुभाव है, इस हालात दे विच जिहड़े राजे हन ओह कसाई बन चुके हन, ते जिहड़ा धर्म है ओह खंभ ला के उड गया है। सो अगली लाइन जिहड़ा मैं दस्सिया सी कूड अमावस सच चंद्रमा, चारे पासे झूठ दी अमावस मस्या जिहड़ी है ओह पसर गई है, ते सच रूपी जिहड़ा चंद्रमा है ओह किते भी दिखाई नहीं दे रहा, कि ये जरा सच रूपी चंद्रमा है उसका पता नहीं लग रहा कि वह कितने जाके चढ़िया है, ये मैनु कितने भी जरा दिखाई नहीं दे रहा, मैं इस सच नू लभ लभ के सच रूपी चंद्रमा नू लभ लभ के व्याकुल होई फिरदी हाँ, पर मैनू ये प्राप्त जरा है नहीं हो रहा, मैनू ये नहीं मिल रहा। सो इस हनेरे दे विच कहिंदे मैनू कोई भी जरा रस्ता है वह नहीं मिल रहा, ते इस हनेरे दे विच जिहड़ा कि मैं इस सृष्टि दे उत्ते जिहड़ी रह रही हाँ, इस सृष्टि दे उत्ते कहिंदे मैनू जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार रूपी पंज विकार मेरे विच भी आ चुके हन, जिन्हां दे विचों मैं जिहड़ा है होमे दी जिहड़ा शिकार है वह हो चुकी हाँ, इस होमे दे शिकार हो जाण दे कारण मैनू कोई रस्ता जिहड़ा है वह नहीं मिल रहा, ते फिर मैनू इस गल का भी पता नहीं चल रहा कि इस जिहड़ा होमे रूपी जिहड़ा दुख है उस तो छुटकारा जिहड़ा है वह किस तरह पाया जा सकता है, जिहड़ा होमे है उस तो छुटकारा पाउण दा मैनू जिहड़ा है कोई भी रस्ता नहीं मिल रहा। सो यह जिहड़ा शब्द श्री गुरु नानक देव जी का जिस दे विच श्री गुरु नानक देव जी ने बहुत ही सोहणे ढंग नाल समकाली समय कलयुग वाले समय की जिहड़ी है समय नू जिहड़ा साडे सामने बयान किया। सो यह जिहड़ा शब्द है जी एक छोटा जिहा शब्द सी जिसनों असीं चंगी तरह इस क्लास दे विच जिहड़ा है वह इस जिहड़ी व्याख्या है वह कीती है। सो मैं यही चाहूँगी कि तुसी कोशिश करिया करो कि जिन्नी हो सके गुरबाणी लिखण दी, कि तुसी जे शब्द जिहड़े आ असीं उह कराउंदे आ ब्लैकबोर्ड ते मैं लिखदी हाँ, तो तुसी कोशिश करिया करो इसनों अपनी कापी दे विच उतारिया करो, इसका केंद्री भाव जरूर अपनी कापियां दे विच नोट करके रख्या करो, हर एक शब्द जिन्ने भी शब्द असीं इस क्लास दे विच कीते हन उन्हां दा जिहड़ा केंद्री भाव है वह जरूर ही अपनी जिहड़ी कापी आ उहदे विच नोट करके रख्या करो, तां जो जिहड़ी है लास्ट जिहड़ा जदों तुहाडे एग्जाम होणगे तां तुहानूं केंद्री भाव जरूर लिखणा आऊगा, केंद्री भाव सार, ते जिहड़ा तुसीं जे हुण नाल दी नाल उसनूं लिख लवोंगे तां जिहड़ी तुहाडी एग्जाम टाइम दे विच बहुत ज़्यादा मदद हो जाऊगी, एक बार तुसीं पढ़ोगे रीड करोगे तां तुहाडी जिहड़ी आ उह क्वेश्चन जिहड़ा आ उह हल हो जाऊगा। सो इहदा जिहड़ा केंद्री भाव आ उह जरूर अपनी कापियां दे विच जिहड़ा नोट करके रखियो, सार लिखिया करो, केंद्री भाव करिया करो, ते उस तो बाद जिहड़ा शब्द है उसनूं दो बार पढ़िया जरूर करो ताकि जिहड़ी तुहानूं गुरबाणी दी जिहड़ी समझ आ उह आउणी शुरू हो जा सकजे। तो जिहड़ा ये शब्द सी जिहड़ा साडा जी असीं अज कीता अंधेरे राह ना कोई, जिहड़ा ये शब्द आ इत्थे ही जिहड़ा साडा कंप्लीट हुंदा आ, ते जिहड़ी अज दी जिहड़ी साडी क्लास आ उह भी इत्थे ही असीं समाप्त करांगे, ते हुण जिहड़ी है तुहानूं कल दी क्लास दे विच श्री गुरु नानक देव जी दा अगला शब्द जिहड़ा लै के असीं हाजिर होवांगे। सो तद तक तुसीं घरां विच रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, क्लास जरूर अटेंड करिया करो, धन्नवाद जी।